कंपनी को जिन्होंने डिजिटल लीप ली, उन्होंने डिजिटल वर्ल्ड को अपनाया और अपने इंस्पायरिंग तरीके से इस दुनिया में एक नया करियर, नई शुरुआत या कुछ ऐसा किया जो आप सेल्फ लेवल पे ही खड़े हो गए। आज मेरे साथ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जेपीएस जोली जी को डिजिटल लीप शो में इनवाइट करने पर। और इनकी अगर मैं बात करूं, इनको जेपीएस जॉली जी को बहुत प्यार से हम सभी लोग जॉली अंकल बोलते हैं। और जॉली अंकल जो एक रिनाउंड ग्रेफोलॉजिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और दिल्ली से एक ऑथर हैं, जॉली अंकल ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को टच किया है और इन्होंने ह्यूमन इंसाइट्स के ऊपर काफी काम किया है, खूब बात की है और इनकी मास्टरी है इन द आर्ट ऑफ ग्रेफोलॉजी। मैं क्यों आज जॉली अंकल से कनेक्ट हुआ या मैं आपको जॉली अंकल की स्टोरी क्यों शेयर करना चाहता हूँ, आज से कुछ साल पहले की बात है, दैट वाज अराउंड 2017 व्हेन आई कनेक्टेड विद जॉली अंकल। ऑथर शेरी का एक एमएस टॉक्स का एक प्रोग्राम था जहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं जॉली अंकल से मिला। मुझे पहली बार पता लगा कि ग्रेफोलॉजी जो है आपकी लाइफ बदल सकती है। मैं फिर जॉली अंकल से एक बार करेक्शन और किया मैंने, जॉली अंकल बिकॉज हेल्प्स यू विद स्पेशल पर्सनलाइज सर्विसेज ऑल्सो, सो आई रोट ऑलमोस्ट लाइक 1 पेज और 2 पेज थिंग एंड सेंट इट अक्रॉस टू जॉली अंकल को। जॉली अंकल को मैंने 2 या 3 पेजेस का एक लिखा हुआ, अपने हैंड रिटन लिखा हुआ, उन्होंने मैंने अपना भेजा। उसके बाद जॉली अंकल ने जो बोलना शुरू किया कि आपके थॉट्स ऐसे हैं, ये है, ये है, ये है, इट वॉज 100% करेक्ट। एंड देन वॉट ही टोल्ड मी वॉज, आपको ऐसे ऐसे लिखना है, नंबर वन। नंबर टू, आपके सिग्नेचर चेंज करने हैं। और वो टाइम की बात है, मैंने सिग्नेचर चेंज किए हैं, देयर हैज बिन लॉट ऑफ गुड चेंजेस, एक पॉजिटिव अप मूव है, ऑलमोस्ट मेरे सिग्नेचर 45 डिग्री के आसपास ही बनते हैं, अप मूव बहुत है। जॉली अंकल को मैं थैंक यू आज इस शो के थ्रू कहना चाहूंगा। नंबर वन, देयर हैज बिन लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट मैनी थिंग्स, बट बिफोर गोइंग अहेड, वेलकम जॉली अंकल, थोड़ा आपके बारे में और बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको वेलकम करता थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ही प्यार से और बड़े अच्छे से आपने इंट्रोडक्शन कराई मेरी, बहुत शुक्रिया। और मुझे मौका दिया आज आपके साथ, आपके व्यूअर्स के साथ, मैं अपना थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है मेरा ग्राफोलॉजी का वो मैं शेयर कर सकूं। थोड़ा जॉली अंकल आपके बारे में और बताना चाहूंगा, मैं जी प्लीज। व्यूअर्स को थोड़ा सा पहले और बताना चाहूंगा। देखिए, मैं पर्सनली व्यूअर्स, मैं आपको सभी को कहूंगा कि जॉली अंकल से मैंने पर्सनली बात की, जो मैं पहले बता चुका हूँ, इस बात को दोबारा रिपीट करूंगा कि वो सिग्नेचर्स के बाद आज मेरे, तब मैं डॉक्टरेट नहीं था, मेरी 2014 में पीएचडी रजिस्टर हुई थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, कंप्लीट 21 में हुई। अब इसके पीछे 100% जॉली अंकल को कहूँ या जॉली अंकल का कोई हाथ कहूँ, कुछ तो जरूर होगा, ठीक है। उसके अलावा मैं अगर अपनी बात करूं तो बिकॉज आई बिलीव इन माई रिलीजन, आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, देयर आर फोर्सेस बिहाइंड दैट ऑल्सो। बट जब आप चेंज करते हो अपनी हैंड राइटिंग, आप अपने सिग्नेचर चेंज करते हो, कुछ तो होता है। अब वो क्या होता है, जॉली अंकल आज आपको जरूर बताएंगे, लेकिन जॉली अंकल के बारे में थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको। जॉली अंकल आज के नहीं है, जॉली अंकल पिछले 40 साल से कुछ चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेफोलॉजी ही नहीं, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में बताते हैं। इन्होंने 42 सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी हैं, कितना बताया मैंने, 42, न्यूमरस आर्टिकल्स, प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाला है इन्होंने रीडर्स के ऊपर। अगेन पर्सनल अपनी लाइफ से बताऊं तो जब इनके मेरे पहले इंटरेक्शंस होते थे, इन्होंने बोला कि आशीष, अगर जिंदगी से कुछ सीखना है तो जिंदगी को पढ़ना शुरू कर दो। ये जो चिड़ियां सुबह 4 बजे ही क्यों आती हैं, ये जिंदगी में ये चीज ऐसे क्यों होती है, शायद जॉली अंकल आज इस बारे में जरूर बताएंगे कि जिंदगी से आप पिक कर सकते हैं शगुन, आप शगुन जिसको हम बोलते हैं वो जिंदगी से पिक कर सकते हैं, आप अपनी आने वाली प्रोजेक्शन जिंदगी से कर सकते हैं। जॉली अंकल के बहुत सारे प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं, पॉजिटिव ह्यूमरस अप्रोच है इनकी लाइफ की, इन न्यूमरस स्पीचेस दिए इन्होंने, और इनकी जो एबिलिटी है ना मोटिवेशनल थॉट को प्रैक्टिकल एडवाइस के साथ जोड़ने की, और वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो इनके ऑडियंस को एडुकेट भी करती है, इंस्पायर भी करती है। इनकी अगर मैं बात करूं, बियॉन्ड इंडिविजुअल कंसल्टेशन, ये ग्रेफोलॉजी को इन्होंने साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह देखा है और एक टूल की तरह लिया है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, और इनका डेडिकेशन जो है वो टीचिंग के लिए है कि
टीचिंग इनका एक बिलीफ है, ट्रांसफॉर्मेटिंग पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग वंस हैंड राइटिंग रिफ्लेक्ट्स हिज कमिटमेंट. ये कहते हैं कि आपकी जो जिंदगी की कहानी है वो आपके हस्ताक्षर में है, वो आपकी हैंड राइटिंग में. और ये पर्सनली आज इस एज में भी ये सर्व कर रहे हैं, और मेरे कहने पे आज इस ऑनलाइन सेशन में आ गए रात के 10 बजे. रात के 10 बजे इस पर्टिकुलर एज में कोई भी शायद आपको अलाउ नहीं करेगा, जो इस पर्टिकुलर एज का होगा वो कहेगा 10 बजे मेरा सोने का समय होता है पुत्र, है की किता, मैं नहीं आना हूं. लेकिन 10 बजे जॉली अंकल अवेलेबल है. थैंक यू वेरी मच, प्लीज गो अहेड जॉली अंकल. आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं 9-9 तक नॉर्मली सो जाता हूँ तो ये वाकई थोड़ा सा मेरे लिए होता है. लेकिन जब कभी सीखने का मौका हो, जब कभी कुछ थॉट शेयर करने का मौका मिलता है, लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव एडिशनल ऐड करने का मौका मिलता है, तो मैं उसके लिए सारी रात भी जाग सकता हूँ. तो ये तो अभी 10 बजे हैं, तो जब कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है तो बहुत अच्छा लगता है. तो रूटीन लाइफ से चलती रहती है, ठीक है कि भाई अब क्योंकि 70+ हो, ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो 9-9 तक मैं नॉर्मली सो जाता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा दिन काफी जल्दी शुरू होता है. क्योंकि जो ग्राफोलॉजी का आपने बताया है, मेरे ऑलमोस्ट तकरीबन 15 कंट्री से मेरे क्लाइंट हैं, तो सबका टाइम जोन काफी अलग है. स्पेशली जो US कनाडा वाले हैं, वो मॉर्निंग में 4 बजे मेरी कॉल शुरू हो जाती है, तो मेरा कंप्यूटर फोन उस टाइम सब एक्टिव होते हैं, तो मुझे भी एक्टिव होना पड़ता है उस टाइम. बहुत अच्छा लगा शिशी आपने अपने व्यूअर्स के साथ मुलाकात का, ये बहुत ही अच्छा जरिया ढूंढा. और फुर्सत के ये वो पल है जिस टाइम हर इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल रिलीव होके आराम से घर पे बैठता है, इस टाइम तक डिनर भी हो जाता है. और सच में अगर मैक्सिमम किसी चीज का हम बेनिफिट ले सकते हैं जिंदगी में, तो वो ये टाइम है. थैंक यू. इसके बाद हमारा जो कॉन्शियस माइंड है 10% हमारा, वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है 90%, वो सारी रात, क्योंकि वो हमारे जन्म से लेके हमारी आखिरी सांस तक वो एक्टिव रहता है. तो वो जो 90% ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम बोलते हैं, वो बेसिकली जैसे हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, चाहे गरीब है, अमीर है, छोटा है, कोई बड़ा है जी, वो 90% ब्रेन जो है वो सुपर कंप्यूटर की तरह है. लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें वो चलाना नहीं आता, हमें स्कूल कॉलेज में वो सिखाया नहीं जाता. ज्ञानी प्रचारक विद्वान लोगों को इस बारे में अच्छी समझ है, लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी तक उसके बारे में बात नहीं की जाती. अफसोस होता है मुझे, स्कूल कॉलेज में अभी तक पढ़ाया नहीं जाता इस बारे में, जबकि बहुत सारे कंट्रीज में मैंने देखा कि हैंडराइटिंग जो है उसको एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, जिस तरह बाकी इंग्लिश मैथ साइंस सब्जेक्ट है, उसी तरह हैंडराइटिंग को भी एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं जी, एक चीज. और दूसरी चीज जो सोच है हमारी, साइन की बात की आपने, जो पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं, या हैंडराइटिंग की है, तो बेसिकली हैंडराइटिंग या साइन से कोई इफेक्ट नहीं आता. आम आदमी को अगर पूछते हैं कि आप कैसे लिखते हो, तो वो कहते हैं जी मैं हाथ से लिखता हूं. लेकिन क्या हमारे हाथ को पता है कि हमने क्या लिखना है, कैसे लिखना है? क्या ये मेरे इस पेन को पता है, चाहे ये 10-20 रुपए का हो या 2 लाख रुपए का हो, क्या ये मेरे साइन कर सकता है? नहीं कर सकता. अब ये सारे, अच्छा यहां मैं एक चीज और क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जिन लोगों के हाथ नहीं होते, वो पैर की उंगली में पेन रख के UPSC का एग्जाम देते हैं, वो क्लियर कर जाते हैं. आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, वो मुंह में ब्रश रख के पेंटिंग बनाते हैं, लाखों रुपए की वो पेंटिंग बिक जाते हैं. क्या दांतों को पता है पेंटिंग कैसे बनानी है? दांत तो खाने के लिए दिए है ना भगवान ने हमें जी, पेंटिंग बनाने के लिए तो नहीं दिए ना? बिल्कुल नहीं. तो अगर इन तीनों चीजों के जो मैंने रेफरेंस दिए, इसको थोड़ा सा डीपली देखें, तो ये है कि जहां से भी ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं, तो वो पार्ट हमारा एक्टिव हो जाता है.
तो जब हम लिखते हैं तो वो बेसिकली सारे सिग्नल हमें ब्रेन से, सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा कह लो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, वो हमारी लाइफ की हार्ड डिस्क जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जो हमारे जन्म के साथ, इवन जन्म से पहले, क्योंकि अब इंडिया में भी बहुत सारे तकरीबन 10 साल हो गए अब तो अनबॉर्न बेबीज के माइंड की प्रोग्रामिंग भी की जाती है जिनका भी जन्म नहीं हुआ। ये हमारे हो सकता है कि कुछ देखने वालों को अजीब लगे, लेकिन जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए उनको किस तरह की सोसाइटी चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, किस तरह की फैमिली में उनकी जो परवरिश होनी है, तो वो सारी चीजें उनके जन्म से पहले ही प्रोग्राम कर दी जाती है जी। तो ये हमारे सुनने वालों को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली हो रहा है पिछले 10 साल से तो इंडिया में हो रहा है, उससे पहले फॉरेन कंट्रीज में तो काफी पहले से हो रहा था। ग्राफोलॉजी की हमारे इंडिया में अभी तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इस पढ़ाई को, इस आर्ट साइंस को कह लो, लेकिन बाहर जो है वो लंदन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वहां 4 साल की इसकी पढ़ाई होती है और डॉक्टर की डिग्री होती है। क्योंकि जो ग्राफोलॉजी है, जो हम हैंडराइटिंग को एनालाइज करते हैं, देखते हैं हैंडराइटिंग, उसमें भी अब मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, यहाँ हमारे जो इंडिया में भी ग्राफोलॉजिस्ट हैं, मैं कह सकता हूँ मोर देन 90% लोगों को ये चीज भी नहीं पता जो मैं ये शेयर करने वाला हूँ। वो सिर्फ एक लाइन, वो क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग, वो लिखवा लेते हैं, या पैक माई बॉक्स विथ 5 dozen लिखकर जग्स कुछ लिखवाया और उसको एनालाइज कर देते हैं। लेकिन अगर हमें इससे भी ज्यादा एडवांस किसी के ब्रेन को समझना है, तो फिर हम उसे कहते हैं कि आप अपनी चॉइस के हमें 200 words लिख के दो, जैसा आपने मुझे कहा था। और मैंने आपको 2 pages या 3 pages, मुझे पूरा याद नहीं है, 2 to 3 pages मैंने और शायद मेरी सिस्टर दोनों ने भेजे थे आपको। तो वो जो थॉट्स लिखते हैं तो उससे हमें करेक्ट इमेज मिलती है अपने थॉट प्रोसेस की, और यही चीज जो है हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है। मैं तो कई बार अक्सर कहता हूं कि अगर हम अपनी लिखावट की बनावट, सजावट और दिखावट को ठीक कर लें तो जिंदगी में कभी गिरावट नहीं आ सकती। वाह अंकल, वाह। सो एक बात जी, ये एक ऐसी साइंस, ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग ना इसको अभी भी टैरो कार्ड, वास्तु या दूसरी चीजों के साथ, जिसमें एक प्रेडिक्शन की जाती है, ठीक है वो साइंस है, हम उससे मना नहीं करते, लेकिन जो प्रेडिक्शन करने की बात है, चाहे वो कोई भी साइंस है, ज्योतिष की है, टैरो कार्ड की है, वास्तु की है, फेंग शुई है, कोई भी है, अभी तक दुनिया में कोई भी आदमी इतना ताकतवर नहीं हुआ जो ये बता सके कि अगले मूवमेंट मेरे साथ क्या होने वाला है। 6 महीने, साल या 5 साल की बात करना तो बहुत दूर की बात है। तो हम लाखों रुपया सिर्फ इन चीजों पे बेकार कर देते हैं, डिफरेंट उपाय करने लगते हैं, लाखों रुपए की अंगूठियां पहन लेते हैं कई बार। एक अंगूठी अगर किसी भी महंगे से महंगे स्टोन की बना के हम लेके आते हैं, उसको घर में रख देते हैं, उसके ऊपर धूल पड़ रही है, कुछ है, वो अपने आप को नहीं ठीक कर सकता, हमारी लाइफ कैसे ठीक करेगा, हमारे बिजनेस को कैसे ठीक करेगा, हमारी सोच को कैसे बदलेगा। जिंदगी में आप अगर पूरे वर्ल्ड में देखो, चाहे बिजनेसमैन है, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, या फेसबुक के जिन्होंने शुरू किया, गूगल जिन्होंने शुरू किया, तो जो सारे करिश्मे हुए हैं ना, वो सिर्फ एक सोच, एक विचार से हो गए। एक पॉजिटिव विचार किसी की भी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। हम उस पॉजिटिव विचार के ऊपर फोकस करने की बजाय हम लेफ्ट राइट इधर उधर जो है ना शॉर्टकट्स, उनको ढूंढते हैं कि जल्दी से बस तरक्की मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े। कुदरत हमें यह सिखाती है कि जब तक जमीन के अंदर बीज नहीं जाएगा, तपेगा नहीं, अंधकार में नहीं रहेगा, तपिश नहीं सहेगा,
वो पेड़ पौधा नहीं बन सकता तो फल कहां से मिलेगा, फल मिल ही नहीं सकता। माइंड से इधर निकलता है, जितनी देर जितने ज्यादा सालों तक वो नीचे दबा रहता है, जितनी ज्यादा वो आग हीट को झेलता है, जितना गहरा नीचे होता है उतनी उसकी वैल्यू बाहर आने पे ज्यादा होती है। तो हम तपना तो नहीं चाहते लेकिन चमकना चाहते हैं, तो कैसे चमकेंगे, नहीं चमक सकते। बिल्कुल सही कहा अंकल, हम तपना तो नहीं चाहते चमकना चाहते हैं। सो अंकल अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अब आपकी ग्राफिलोजी की जर्नी और आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप इस फील्ड में आए। आज भी अगर हम बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि 90% से ज्यादा लोगों को आज भी ग्राफिलोजी वर्ड नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत सारे डॉक्टर्स 20-22 साल पहले जिन डॉक्टर्स के मैंने साइन हैंडराइटिंग ठीक की थी, आज वो अपने बच्चों को लेके आते हैं मेरे पास, साइंटिस्ट आते हैं, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर आते हैं, उनको भी ग्राफोलॉजी का मीनिंग नहीं पता। अब मीनिंग नहीं पता तो फिर ये कैसे पता होगा कि ये काम कैसे करती है। मैंने ये सीखी थी 85-86 में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम कितने लोगों को वर्ल्ड पता होगा ग्राफोलॉजी। बिल्कुल, तो एक्चुअली जब मैंने भी शुरू की थी मुझे ग्राफोलॉजी का आइडिया नहीं था कि मैं ग्राफोलॉजी सीखने जा रहा हूं। मैंने कोर्स जो लिया था, शुरू किया था, वो था माइंड कंट्रोल का। क्योंकि यहां मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 125 से 150 के करीब ऑर्गन है। जब हमारा जन्म होता है तो उसके साथ वो सारे ऑटोमेटिक पैटर्न्स बन जाते हैं, प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो वो अपने अपने काम शुरू कर देते हैं। हार्ट है, गरीब का है, अमीर का है, छोटे बच्चे का है, आपका है, मेरा है, सबका एक जैसा काम करता है, एक जैसा ब्लड प्योर करता है। जिस ऑर्गन को जितना ब्लड चाहिए, जितने जो जूसेस चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, वो सिस्टम कुदरत ने ऐसा बनाया है कि वो ऑटोमेटिकली वहां तक वो सारी चीजें पहुंचती हैं, और जिससे हमारी ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो मशीनरी है वो तकरीबन 70-80-100 साल तक बिल्कुल ठीक तरीके से चलती है, अगर हम इंटेंशनली इसे खराब नहीं करें जी। अब अगर एक ब्रेन इतनी दुनिया की कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी को अच्छे से चला सकता है तो उससे बाहर के काम क्यों नहीं करवाते। अगर हम बाहर के काम करवाने शुरू कर दें, इतनी समझ हमें आ जाए कि ये ब्रेन हमारे लिए, ये जैसे अंदर की इतनी बढ़िया मशीनरी चला रहा है, उतनी ही आसानी से ये हमारे बाहर के भी काम कर सकता है, तो आप अंदाजा लगाओ कि आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है आशीष जी की अवेयरनेस नहीं। तो अंकल एक क्वेश्चन मेरे सामने आता है कि आपने किताबें तो लिखी हैं 42 से ज्यादा, 42 प्लस बुक्स आपने लिखी हैं, लेकिन एक बुक मुझे पीछे दिखाई दे रही है ग्राफोलॉजी, और एक सब्जेक्ट आप बोलते हैं ग्राफोलॉजी, तो वो 42 में से, इसको कहते हैं ना कि आपके पास 42 बच्चे हैं लेकिन आप इस बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ग्राफोलॉजी के सब्जेक्ट को या इस बच्चे को अपने, आपके 42 बच्चे तो आपने किताबों में लिखे, 42 किताबें आपके 42 बच्चे हुए, तो आउट ऑफ 42 बुक्स इससे भी ज्यादा एक प्यारी किताब है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, वो आपको भी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है वो जी। आप सोचो बताओ कौन सी किताब हो सकती है जो सबको अच्छी लगती है, वो होती है चेकबुक, जब आपका नाम लिख के एक बड़ी सी अमाउंट लिख के आती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ग्राफोलॉजी से भी ज्यादा अच्छी हमें चेकबुक लगती है जब हमारा नाम लिख के आता है, बड़ी सी अमाउंट लिखी होती है उसमें। जी अंकल, तो अंकल 25 साल से ज्यादा आप ग्राफोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहे हैं राइट? जी जी। तो ये डिजिटल एज में और ये कोरोना के बाद, कोविड के बाद और उससे पहले भी, ये ग्राफोलॉजी की प्रैक्टिस को डिजिटल दुनिया ने कैसे बदला है आपके लिए, और आपने डिजिटल एज को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, इस ग्राफोलॉजी को मतलब डिजिटल लिवरेज लिया या डिजिटल वर्ल्ड का सहारा या फायदा, या इसे आप कहिए कि इन कोऑर्डिनेशन विद डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इसने आपको कैसे बढ़ाया और कैसे ट्रांसफॉर्म किया आपकी ग्राफोलॉजी को, आपकी प्रैक्टिस को? कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी बदली नहीं जा सकती। AI आ जाए,
डिजिटल आ जाए, इससे पहले कंप्यूटर आए, एप्स आई, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन वो हमारी जिंदगी को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं, बहुत हद तक वो इफेक्ट करती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन क्या वो हमारी इमोशंस के ऊपर कोई इफेक्ट डाल सकती है? नहीं। क्या जो हमारे रिश्ते हैं उसके ऊपर कोई उनका इफेक्ट आता है? जो रिश्ते आज से 100-500 साल पहले थे, आज भी भाई बहन का रिश्ता वैसे, माँ बाप के साथ जो अटैचमेंट है वो वैसी ही है, वैसी ही रहेगी। बच्चा आज भी गिरता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, तो जैसे ही चोट लगती है तो सबसे पहले मुंह से वर्ड AI या डिजिटल नहीं निकलता, हाय माँ निकलता है। तो वो माँ उसको वो रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये चीजें जो इमोशंस हैं, हमारे पर्सनल थॉट्स हैं, हमारी जो सोच है, अब जब रात को हम सोते हैं कि नेक्स्ट डे मुझे ये करना है, ये मेरी प्रायोरिटीज हैं, वो AI तो हमारे दिमाग में नहीं डाल सकता। तो अंकल आपकी बातों से शायद ये अभी 12th का रिजल्ट भी आया है और बच्चों का मतलब मेरे पास एक मैंने वीडियो भी बनाया था इस टॉपिक के ऊपर कि 2030 में करियर कैसे, मतलब 2030 के करियर को अभी 12th के बाद कैसे बनाएं, लगभग 1 घंटे का वीडियो बनाया मैंने। तो 2030 के बारे में मैंने देखा कि जब मैंने रिसर्च करी, लगभग 18 पन्नों की वो रिसर्च थी 18 पेजेस की, उसमें फाइंड आउट ये हुआ कि 80% तक वो करियर होंगे 2030 में जो अभी इन्वेंट भी नहीं हुए। तो आपने जो बात की है AI की, आपने बात की है ML की और डिजिटल एज की, तो बेसिकली जो आज एक डर है, एक तरीके का डर है कि आज जो पहले आपने कंप्यूटर सीखे तो 10-15-20 साल तक आपकी नौकरी चल गई, आज भी जो कंप्यूटर फील्ड में आ गए वो आज भी जिंदा हैं और बहुत सीनियर पोजीशंस में हैं, मतलब जिंदा है मतलब अपने करियर के पीक पे हैं। लेकिन आज AI जैसी चीज के बाद ऐसा लग रहा है कि हर डेढ़ से दो साल में एल्विन टॉफलर के जो शब्द हैं, दी फ्यूचर विल बिलोंग टू दोज हु कैन लर्न अनलर्न एंड रीलर्न, सिर्फ यही लोग बचेंगे और मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले वही लोग जो अनलर्न कर पा रहे हैं, रीलर्न कर पा रहे हैं और ये चीज को बार बार कर पा रहे हैं। आप क्या कहते हो, कैसे करियर चुने, क्या चुने, या एटलीस्ट मेरी ग्रैंड डॉटर है रबानी जॉली, उसका भी 2 दिन पहले रिजल्ट आया, वो ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज एक्सपर्ट है, आंखों पे काली पट्टी बांध के जितने काम हम खुली आंखों से करते हैं, कोई भी एक आम आदमी करता है, वो हम सभी से बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। कोई किताब पढ़नी है, कुछ लिखना है, किसी का मेकअप करना है, उसके 50-60 इंटरव्यू हो चुके हैं नेशनल इंटरनेशनल चैनल पे, इवन पाकिस्तान में कई चैनलों से इंटरव्यू कर चुके हैं जी। और उसकी जो लास्ट ईयर उसने अचीवमेंट की है वो सुन के डॉक्टर साहब आपको भी हैरानगी होगी, पूरे वर्ल्ड में अकेली बच्ची है जो वर्ल्ड की सारी लैंग्वेज पढ़ सकती है। अरे वाह, उसके लिए उसको फ्रांस से सर्टिफिकेशन मिली है, US से सर्टिफिकेशन मिली है, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सर्टिफिकेशन मिली है उसको। तो अंकल कम से कम 100 से ज्यादा अवार्ड, सर्टिफिकेट और मेडल, एक पूरा रैक हमारे घर में उसके नाम का भी भर गया है, अभी परसों उसका 10th का रिजल्ट आया है। तो ये दादाजी की गाइडेंस ही है क्या? देखो दादाजी की ड्यूटी होती है, जो ट्रैफिक में पुलिस वाला खड़ा होता है ना कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है, मेरी ड्यूटी इतनी होती है, तो मैं अपनी ड्यूटी इतनी करता हूँ, बाकी बच्चों की मेहनत है, उनके अंदर जोश जुनून कितना है, हमारा काम है उस चिंगारी को जलाने का जी, कि बच्चों के अंदर वो चिंगारी एक पैदा करते हैं कि तुम ये करिश्मा कर सकते हो। तो जब कोविड शुरू हुआ था तो जब बच्चे उस टाइम स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा रहे थे, उस टाइम मैंने ये चीज उनके मन में डाली ताकि मेरे बच्चे डिप्रेशन में ना जाएं जी। दिल्ली पुलिस ने उसको वंडर गर्ल का टाइटल दिया था, आज गूगल पे वंडर गर्ल लिखो तो रबानी जॉली का नाम उसमें आ जाता है। तो जो चीज आप कह रहे हैं, गूगल की भी एक स्टडी मैंने देखी थी, ठीक है कि जॉब जाएंगी जा रही है, ऑलरेडी जा रही है, आए दिन देखते हैं न्यूज़पेपर मीडिया में, आज 10,000-12,000 लोग निकाल दिया, 70,000 3-4 कंपनीज ने मिलकर निकाल दी, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखो क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कम नहीं हुई।
तो मीन्स हमें ये देखना है कि हम अपने आप को कितना काबिल बना रहे हैं। अगर हम अपने आप को काबिल नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली हम आउटडेटेड हो जाएंगे, हम बाहर हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी की वजह से हम बाहर नहीं हो रहे, हम नया सीख नहीं रहे, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे, इस वजह से हम बाहर हो जाएंगे। तो हम ये जो ग्राफोलॉजी है बेसिकली इसका मेन पर्पस जो है वो ये है कि सबसे पहले हम अपने टैलेंट अपने स्किल को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद कुदरत हमें ये सिखाती है कि हर जीव जो है इस धरती के ऊपर वो अपनी 100% कैपेसिटी यूज करता है। एक इंसान ऐसा आलसी जीव है मैं कहना चाहूंगा जो सारा ब्लेम किस्मत पे भगवान पे डाल देता है क्योंकि वो तो सामने से आएगा नहीं, बोलेगा नहीं, फाइट नहीं करेगा, आर्गू नहीं करेगा, मेरी किस्मत खराब थी इसलिए मुझे कंपनी वालों ने हटा दिया, मेरी किस्मत खराब थी इसलिए मेरा धंधा नहीं चल रहा, मैं काम नहीं कर पा रहा। हम ये नहीं देखते कि मैं किस वजह से काम नहीं कर पा रहा, मेरी वीकनेस क्या है। अंकल मैसेज आया है जी, मैसेज आया है प्राची सिंह जी से, ग्लैड टू लिसन जॉली अंकल, स्क्रीन पे डिस्प्ले है जी। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू प्राची जी, थैंक यू। और अंकल मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आप अभी फेसबुक पे मेरे ग्रुप पेज पे लाइव हैं, मेरे प्रोफाइल पे लाइव हैं, 8 से 10 पेजेस पे लाइव हैं, आप ट्विटर पे लाइव हैं इस समय, आप लिंक्डइन पर लाइव हैं और आप यूट्यूब पर भी लाइव हैं। आप हम उस प्रभु का थैंक यू करते हैं कि हम आज अभी भी लाइव हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते, तो हमें हर पल हर मोमेंट की कुदरत ने ये मोमेंट दिया है कि अभी भी हम लाइव हैं और हम ये चीजें एंजॉय कर रहे हैं, ये चीजें हम शेयर कर रहे हैं, तो हमें हर पल उसका थैंक्स करते रहना चाहिए। हम ये चीजें थैंक्स करना भूल जाते हैं जी। अंकल शुक्राना। तो अंकल मैं आपसे वापस उसी क्वेश्चन को पूछूंगा कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो अभी कंप्लीट 12th क्लास कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, वो कैसे आगे चुने, जो भी वो अपने करियर का चुनाव करें, या कोई ऐसी कोई की है, कोई ऐसी चाबी है जो क्लियरली डिफाइन कर देती है कि आदमी कामयाब होगा ही होगा, या उसकी कामयाबी बता देती है, या वो कामयाब हो सकता है, कोई ऐसी चाबी, कोई ऐसी की, मुझे ऐसा लगता है शायद आपके पास है। Okay. इसको पढ़िए जरा एक मिनट। ग्राफोलॉजी कामयाबी की मास्टर चाबी, अरे वाह, ये बुक मेरे पास भी है अंकल। एक्चुअली ये मास्टर चाबी मैंने क्यों वर्ड यूज किया इसके लिए, ग्राफोलॉजी के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे माइंड से कनेक्टेड है और हमारी जिंदगी वैसे ही बनती है जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, जैसी हमारी सोच होती है। अब किसी के लिए मैं एक चीज सबको, ये जो आपने कहा बच्चों के लिए, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक तो ना कभी भी किसी के प्रेशर में किसी से कंपेयर करके कि उसने ये सब्जेक्ट ले लिए, वो इस फील्ड में जा रहा है तो चलो मैं भी इस फील्ड में चला जाता हूँ, चली जाती हूँ, वो मत करना। अपने आप को ना समझो, अपनी जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप किस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, साइंस से घबराते हैं, लेकिन कुछ बच्चे मैक्सिमम उसी में अच्छा करके मैक्सिमम उसमें ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। अब मेरी ग्रैंड डॉटर के 85% प्लस है, उसके 85.67% मार्क्स है, लेकिन वो साइंस या कॉमर्स या दूसरे सब्जेक्ट नहीं ले रहे, उसने प्रेफर किया साइकोलॉजी लेने का। ऑलरेडी उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 15 दिन से, तो उसने साइकोलॉजी पे काम करना शुरू किया। और जिस दिन उसकी टीचर पहले दिन क्लास में आई है और उसने साइकोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें बताई, बैकग्राउंड समझाई बच्चों को, और उसके बाद उसने कहा कि रबानी साइकोलॉजी जो है हैंडराइटिंग फॉर्म में कैसे हमें इफेक्ट करती है वो आप एक्सप्लेन करो। तो ये थोड़े शॉक में आ गई कि फर्स्ट टाइम टीचर मेरी क्लास में आई है और आते ही उसने मेरा नाम लेके मुझे पॉइंट आउट कर दिया कि आप एक्सप्लेन करो। तो ये तो ग्राफोलॉजी होती है, तो ये
उससे कैसे हमारी साइकोलॉजी को लिंक कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं आपके दादू जॉली अंकल को बहुत सालों से फॉलो करती हूँ और मुझे पता है कि आपको ग्राफोलॉजी की काफी नॉलेज है, इसलिए मैंने आपको बोला। और फिर इसने 10 मिनट के करीब ग्राफोलॉजी को क्लास में एक्सप्लेन किया। तो अब क्योंकि डिफरेंट नया सेक्शन बना है तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे नए दूसरे सेक्शन से आए थे जो इनके ग्राफ ये इस क्लास में, तो वो शॉक में आ गए कि रबानी को इतनी नॉलेज कैसे है इस चीज के बारे में, इस साइंस के बारे में। जी, तो मेन चीज ये देखने वाली है कि हमें अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। उसके बाद हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारा विजन क्या कहता है, हमारी सोच कहां तक जाती है, हमारा थॉट प्रोसेस कितना हमें सपोर्ट कर रहा है, इमोशनली हम कितना अपने सब्जेक्ट को जो हमारी पढ़ाई है या जो आगे हम करियर बनाने जा रहे हैं उससे हम कितना प्यार करते हैं। क्योंकि जिस चीज को हम दिल से प्यार करते हैं ना, आधी मेहनत करके भी हम डबल सक्सेस अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई प्रेशर डाल के हमें कहे कि नहीं आप तो डॉक्टर ही बनो, वो आज नहीं साल दो साल बाद तीन साल बाद भी छोड़ के आ जाएगा, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। सो जॉली अंकल, आप ये कह रहे हैं सभी के लिए कि विदाउट प्रेशर अगर आप 12th क्लास के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आप उसको चुनें, और मास्टर चाबी ग्राफोलॉजी है, यानी कि सबसे पहले अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर कुछ काम करें, बिकॉज हैंड राइटिंग कनेक्टेड आपके ब्रेन से, और ब्रेन और माइंड आपके वहाँ पे हैं, आपके थॉट्स विचार ही बनाए जिंदगी, तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। तो अब अंकल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हैंड राइटिंग से बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है, एक छोटी सी बात और छोटी सी स्टोरी मैंने अपनी भी सुनाई थी, आपके पास कोई एक ऐसी मेमोरेबल स्टोरी है जो ये बता रही है कि उससे बिल्कुल उसकी एक ज़िंदगी बदल गई ग्राफोलॉजी के थ्रू या हैंड राइटिंग के थ्रू? बहुत सारे मेरे चैनल है लेकिन कोई के नाम आपको पसंद है? हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उस पे बहुत सारे टेस्टिमनी है लोगों के। एक मेरे बेटे के फ्रेंड हैं मिस्टर करण धवन, मैंने नाम भी ले लिया उनका, पता नहीं माइंड ना करें, वो ऑस्ट्रेलिया में थे, फिर कोई रीजन बना उनको वापस आना पड़ा, तो उनकी मदर ने उनको रिकमेंड किया कि आपको एक बार जॉली अंकल को मिल के आओ। तो वो नई साइंस के बारे में आइडिया नहीं था इसलिए वो बिलीव नहीं करता था कि भी कुछ ऐसी चीज भी सिग्नेचर से कैसे कोई लाइफ चेंज होगी मेरी। तो वो अपनी मदर के कहने पे आया, मेरे पास बात हुई, तो मैंने कुछ सजेशन दिए उनको। एग्जैक्टली 4 संडे को फिर वो आया, तो मुझे ये लगा भी शायद कुछ क्लैरिफिकेशन और कुछ वो लेने आए हो। तो उन्होंने आके बताया कि जब मैं आज से 4 हफ्ते पहले, 1 महीना एग्जैक्ट पहले आया था, तो मैं जिंदगी में सोच नहीं सकता कि सबसे जो लोएस्ट लेवल था मैं वहां पे था, कि आदमी इतना नीचे भी जा सकता है मैंने कभी सोचा नहीं था। और कहते आज 4 हफ्ते हुए हैं, ये भी टाइम मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी सपना भी नहीं था कि मैं जिंदगी में इतना ऊपर कभी जा सकता। ग्रेट, तो जो मेरी सोच में नहीं था उससे भी मैं कहीं ज्यादा मैं अचीव कर रहा हूँ इस टाइम इजिली। तो ये 4 हफ्ते में एग्जैक्ट 4 संडे मॉर्निंग 11:30 बजे हमने नाश्ता भी इकट्ठे किया, मुझे याद है, तो उन्होंने आके ये अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छा लगता है जब साइंटिस्ट कुछ आते हैं मेरे पास, डॉक्टर्स आते हैं। पिछले 2 महीने में शायद मैक्सिमम केसेस जो मेरे पास आए हैं सिग्नेचर एनालिसिस के, वो डॉक्टर्स के और प्रोफेसर्स के आए, जो यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाते हैं। जी, उनकी लाइफ को और हार्डली 15 दिन 20 दिन 22 दिन के बाद उनकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं। और 3 दिन पहले मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, रेडियोलॉजिस्ट थे। हम लोग अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो नॉर्मल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और वो डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे कंसल्ट करते हैं, और वो मेरे पास आए थे और उन्होंने फिर अपना टेस्टिमनी रिकॉर्ड किया कि मेडिकल साइंस से भी ज्यादा इफेक्टिव ग्राफोलॉजी की साइंस है, आप इसको फॉलो करो। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस साइंस की, कि अगर डॉक्टर लोग रिकमेंड कर रहे हैं और वो इसे अपनी पर्सनल लाइफ में यूज कर रहे हैं,
तो इससे आपको अंदाजा होगा कि कितना वो लाइफ में चेंज ला सकते। बिल्कुल अंकल, अंकल आपने 42 सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी हैं और अनगिनत आर्टिकल लिखे हैं काउंटलेस जी, आपको क्या चीज मोटिवेट करती है कि आप लिखते रहें? आप सोचते कैसे हैं कि इस तरीके से सोचते हैं कि आपके रीडर को वो इम्पैक्ट करता है? मैं अपनी बात करूं तो मैंने शायद रिसेंटली एक बुक लिखी है और मतलब आई अंडरस्टैंड कि इट इज रियली टफ, और वो सिर्फ बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, वो भी ई बुक है, वो 65 पेजेस की बुक है। 200-300 पन्नों की बुक लिखना तो शायद मेरे लिए अभी भी टफ बात होगी और बहुत लंबा मुश्किल एक समय होगा। तो आपने 42 लिख दी, अगर मैं मानता हूँ कि एक बुक में 100 पेजेस भी होते हैं जो ज्यादा ही होते हैं आपकी बुक्स में ऐसा कुछ, तो 42 मतलब इतने सारे पेजेस आपने लिख डाले और मल्टीप्लाइड बाय वो भी इतने, मतलब व्हाट मोटिवेट्स यू, आपको क्या मोटिवेट करता है कि आप लिखते ही जा रहे हैं लिखते ही जा रहे हैं? आपका थॉट प्रोसेस क्या है और किस तरीके से आप लिखते हैं कि रीडर को इम्पैक्ट करता है? मेरी एक किताब सिर्फ बच्चों के लिए मैंने लिखी थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश की थी, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, वो एक स्टोरी बुक है, वो सिर्फ छोटी 20-25 पेज की है, बाकी सारी किताबें 200 या 200 प्लस पेजेस की हैं मेरी। किसी में अब थोड़ा से आजकल 10-12-15 पेज हमने कम कर दिए क्योंकि कास्ट फैक्टर आ गया या दूसरी चीजें आ गई, लेकिन आज भी लोग बड़ा प्यार करते हैं। तकरीबन 35 से ज्यादा कंट्री से तो मेरे पास मेल मैसेज ईमेल्स आती रहती हैं जहाँ पे लोग मेरी किताबें पढ़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है प्रभु की मेरे ऊपर। तो एक तो मैं जर्नलिज्म की कोई पढ़ाई नहीं की कभी, किसी मीडिया उसके साथ मैंने एक दिन क्या एक घंटा भी काम नहीं किया कि हेडिंग कैसे लिखे जाते हैं, चैप्टर कैसे बनते हैं, किताब कैसे बनती है, जो मन में आया मैंने लिखना शुरू किया और पब्लिक ने एक्सेप्ट किया और आज इतना प्यार मिलता है कि कई कई लाख कापियां एक एक किताब की जो है वो बिक चुकी हैं। तो और सबसे बड़ी चीज है मैंने किसी से सीखा नहीं, ना मेरी फैमिली में कभी किसी ने कलम उठाई, ना ही मैंने कभी सोचा था कि मुझे लिखना है। तो शिव जी जो दुनिया में सबसे बड़ा हमें सिखाने वाला कोई है, जो चुपचाप हमें सब कुछ सिखाता है, वो है नेचर, कुदरत। अगर हम 10 मिनट पार्क में बैठ के आ जाए ना तो हम डेली कम से कम 10 चैप्टर उससे सीख सकते हैं, और वो ऐसे चैप्टर होंगे कि पूरी जिंदगी काम आएंगे, कभी फेल नहीं होंगे उसमें। पेड़ जब बड़ा होता है तो धीरे 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 चुपचाप बड़ा होता है, लेकिन हमारी इतनी सी अचीवमेंट होती है ना तो पूरे गली मोहल्ले रिश्तेदारी में हम शोर में जाते हैं, देखा मैंने कर दिया, ये मेरा कारनामा है। कुदरत कहती नहीं, अगर आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की ओर जा रहे हो, फल लग रहे हैं, फ्रूट मिल रहे हैं, तो एक तो रूट्स के साथ जुड़े रहो, फ्रूट्स को एंजॉय करना। जो आदमी रूट्स से दूर हो जाता है वो फ्रूट्स को एंजॉय नहीं कर सकता जी, चाहे उसके फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, कोई भी है। जो भी आदमी अपनी रूट से दूर हो गए वो आज भी खत्म है, वो कल भी खत्म हो जाएगा, वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा कभी भी। तो कुदरत से सीखना बहुत जरूरी। दूसरा, जैसे मैंने माइंड के ऊपर प्रोग्राम किया, शुरू में हमने बात की माइंड कंट्रोल को, मैंने जैसे समझाया सीखा मैंने, तो एक बार अगर हम बेसिक चीजें समझ लेते हैं उसके बाद हमें बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, हमें वर्कशॉप सेमिनार में जाके हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा ब्रेन जो है वो ऑटो पायलट मोड में आ जाता है। हर दिन जो काम आज तक किया आपने, कल सुबह उठते ही आपको वो बहुत सारी नई चीजें ऐसी बताएगा कि अब ये काम करो, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, इससे आपका जो ब्रांड बनेगा वो इससे अच्छा बनेगा। तो जो ये सुपर पावर भगवान ने ना इतनी सारी और हमारे पास दुनिया में ऐप है, भगवान ने एक ही ऐप दी है, हम बाकी सारी दुनिया की ऐप तो यूज करते हैं, इस ऐप को यूज करना भूल जाते हैं। जिस आदमी को जिस दिन ये ऐप पर यूज करनी आ गई ना, उसके बाद दोबारा मुड़ के पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अंकल फ्यूचर में जैसे और ये काफी सालों से प्रचलन हो ही गया है, पहले हम लोग लिखते थे,
अब डिजिटल नोटपैड्स हैं, खैर वहाँ लिखने की बात आ गई है अब, लेकिन किताबें पढ़ने की बात है तो मैं भी जैसे किंडल ई बुक पढ़ता हूँ या और लोग ई बुक्स पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल नोटपैड्स तो हैं या हम लोग कंप्यूटर पे अब लिख रहे हैं, तो ग्राफोलॉजी का जो वो जो पार्ट है यानी कि खुद से लिखने वाला पार्ट तो अंकल बहुत कम होता जा रहा है इस डिजिटल कम्युनिकेशन में। तो इससे क्या, अगर मैं आपकी थ्योरी को पूरा का पूरा देखूं तो, क्योंकि ब्रेन कनेक्टेड है, ब्रेन का जो वो पार्ट एक्टिव, जैसे आपने बोला ब्रेन का वो पार्ट एक्टिवेट हो जाता है जिसको आप एक्टिवेट करते हो, तो अब हम लिख तो नहीं रहे हैं, या लिख रहे हैं तो कीबोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं, हैंडराइटिंग आ नहीं रही है, सिग्नेचर डिजिटल हो गए हैं, तो क्या होगा अंकल इसका? इसको ना मैं दो पार्ट में जवाब देता हूँ। एक तो अमेरिका को हम सबसे एडवांस कंट्री मानते हैं, जी पैसे की तरफ देख लो, पावर की तरफ देख लो, उनके हर चीज को देखो तो हम कहते हैं कि वो नंबर 1 है, लीडर है वर्ल्ड में। जी लेकिन आज 10 में से 7 लोग वहां डिप्रेशन में है, ये अमेरिका का अपना डाटा है, गूगल पे मिल जाएगा, कोई भी देख सकता है। 10 में से 7 लोग डिप्रेशन में है और 7 में से 3 लोग ऐसे हैं जो सुसाइड करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो सिर्फ अंकल, इस वजह से कि उन्होंने बिल्कुल लिखना छोड़ दिया। तो अंकल एक डेटा मुझे शायद यहाँ पे लग रहा है कि अगर 100 लोग आपके पास हैं, मान लेते हैं आपके क्लाइंट्स, तो किस किस कंट्री से कितने क्लाइंट्स हैं आपके? अगर मैं मान के चलूँ 100 में से मैक्सिमम कितने लोग आपके किस कंट्री से हैं? सबसे ज्यादा इंग्लैंड, कनाडा, इधर ऑस्ट्रेलिया से है काफी, इंडिया से तो पूरा बेस है ये, मतलब कि नॉर्थ इंडिया से कंपैरेटिवली कम है। नॉर्थ इंडिया से मेरे पास ज्यादा वो आते हैं जिनको रेफरेंस ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से या कनाडा से मिलता है कि ये प्रॉब्लम है, आप वहां पे जाओ। बल्कि उस दिन एक बड़ी मजाक की बात होगी मेरे साथ, जलंधर से कोई फोन पे उन्होंने बात की, आ गए नीचे आके उन्होंने डोरबेल दी, तो बाई चांस मैंने ही दरवाजा खोला तो मुझे कहते हैं जी वो सिग्नेचर वाले बाबा जी यहाँ रहते हैं। मैं कहा क्यों, आपका बाबा के बिना काम नहीं चलता, मैं हर किसी को बाबा बनाने पर जॉली अंकल सिग्नेचर बाबा, स्वागत हो आप। जॉली अंकल इज इक्वल टू सिग्नेचर सिग्नेचर बाबा। तो अंकल जरूर देखता हूँ। वापिस उसी बात पे आ जाते हैं अंकल, तो अब हाँ ये मेरे लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना किसी और के लिए। तो क्योंकि हम लोग ई बुक्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक शायद हम लोग दिन भर में 10 या 20 शब्द या 50 शब्द लिख रहे हैं, वो भी मैं आजकल गोल राइटिंग या इस तरह की चीजें लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ती है। देखो, ऐसा है जब कंप्यूटर हम लेके आते हैं, लैपटॉप लेके आए या दूसरा बड़ा कंप्यूटर लेके आते हैं, तो हार्डवेयर होता है सिर्फ हमारे पास। जी अब आपने अपने ट्रेड से रिलेटेड जो है आप उसका सॉफ्टवेयर डालोगे, किसी ने डिजाइनिंग का करना है, किसी का अकाउंट्स का काम है, मैंने बुक्स लिखनी है, तो जो जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं वो हम सॉफ्टवेयर उसमें डालते हैं और उसके बाद वो जो हमारी डिवाइसेज हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काम करना शुरू कर देते हैं। जी अब मेरे कंप्यूटर में अगर डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं कोशिश भी करूंगा तो वो डिजाइनिंग नहीं कर पाएगा। तो हमें एक बार अपने माइंड, मैं ये नहीं कहता कि आपने सारी उम्र लिखना ही है, अगर आप 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते लिख के अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर लेते हैं तो उसके बाद पूरी उम्र आप उसका फ्रूट एंजॉय कर सकते हैं। ओके तो अंकल यहीं पे मेरा सेकंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं और ग्राफोलॉजी को सीखना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, और आपकी जो टीचिंग्स हैं उसको भी आगे, आपकी एडवाइस को आगे मानना चाहते हैं, तो आप क्या एडवाइस देंगे उनको कि वो कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, वो कैसे आगे बढ़े? सबसे पहले तो ना पढ़ना शुरू करें, और सिर्फ इस तरह किताब लेके ना ऐसे सामने रख के उसको ऐसे नहीं पढ़ें, इस तरह से नहीं करें, उसको बोल के पढ़ें ताकि वो आवाज जो है हमारे दोनों कानों तक जा सके। जब वो वर्ड्स हमारे कानों तक जाते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगते हैं, उसके बाद उसको लिखना शुरू। जैसे जैसे वो लिखेंगे उनकी नेगेटिविटी जो है वो धीरे धीरे बाहर आनी शुरू होती है। अगर प्रॉपर अपने किसी से काउंसलिंग लेके, किसी भी ग्राफोलॉजिस्ट से मिलके, या सोशल मीडिया पे बहुत सारी साइट्स हैं जहां पे पैटर्न ये समझाए, मैंने अपनी खुद तकरीबन 900 के करीब वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें 100 से ज्यादा तो सिर्फ सिग्नेचर के लिए मैंने बनाई है, और सैकड़ों लोगों ने घर बैठ के
अपने सिग्नेचर चेंज किए हैं और ठीक किए हैं, तो लोग उसको चैनल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोशिश होती है कि हर 2-3 दिन में एक वीडियो मैं जरूर डालता हूँ उसके ऊपर। तो अब रात को सोने से पहले भी, आज जैसे दिन में हमने सारी एक्टिविटी की, जो किसी ने हमें कुछ कहा, हमने किसी को कहा, जो कुछ नया सीखा, अगर रात को हम सोने से पहले एक बार आधा घंटा पहले फोन बंद कर दें, टीवी बंद कर दें और फिर कुछ लिखते हैं और नेक्स्ट डे की प्रायोरिटी उसमें लिख देते हैं, तो जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम उठेंगे, हमारा माइंड, हमारी बॉडी, ये सारी चीजें, हमारे इमोशंस फुली चार्ज होते हैं, हमारा एक मिनट भी वेस्ट नहीं होगा। हम अपने आधे दिन में, पूरे दिन से जो दूसरे लोग 6-7 बजे 8 बजे तक जितनी आउटपुट निकालते हैं, उससे ज्यादा हम लंच टाइम तक उससे ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि उस टाइम अदरवाइज क्या होता है कि कई बार रात को हम सो जाते हैं कुछ नेगेटिव थॉट्स को लेके, तो सबकॉन्शियस माइंड ना सारी रात क्रिटिकली उसे ही एनालाइज करता रहता है। क्या कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते हैं ना, तो 10 मिनट तक तो हम फ्रेश ही नहीं हो पाते, कि ऐसा लगता है कि सारी रात हम भाग भाग के थक गए हैं जी। तो जब आधे घंटे फिर ये हो गया, फिर आधे घंटे तक यही नहीं डिसाइड होता कि आज नाश्ता क्या करना है, परोंठे कौन से खाने, मक्खन खाए नहीं खाए, वेट बढ़ जाएगा, फिर आलू के खाए। तो आज की डेट में टाइम एक मिनट भी वेस्ट करने के लिए हमारे पास नहीं है जी। अगर हम इस तरह आधा आधा घंटा एक एक घंटा वेस्ट करेंगे तो फिर जमाने के साथ तो नहीं चल सकते, उससे तो हजारों कदम पीछे रह जाएंगे, आगे जाना तो बहुत दूर की बात है। अब लोग कहते हैं कि 10 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, आधे घंटे में क्या फर्क पड़ता है। अब मेरे पास कई लोग आते हैं, वो कहते हैं जी अंकल मिलना है मुझे, मैं कहता जरूर आओ मिलो, अगले हफ्ते आ जाओ, कि अगले हफ्ते के मैं मंडे से लेकर संडे तक अगले 8 दिन तुम्हारी वेट करूं यहाँ बैठ के, किस दिन आओगे। मैंने ना मंगल बुधवार उधर आना है तिलक नगर साइड में, वहां मैं मंगल बुधवार आ जाता हूँ आपके पास। भाई मेरे पास आना है तो मुझे एग्जैक्ट बताओ, इस डेट को आओगे, इतने बजे आओगे, 15 मिनट से ज्यादा लेट हो जाओगे मैं बात नहीं करता, मैं अटेंड नहीं करता किसी को, मैक्सिमम मैं 15 मिनट वेट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो व्यूअर्स, आप सबके लिए यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया है जॉली अंकल का यूट्यूब चैनल, तो जिसका नाम है यूट्यूब, जो आपका लिंक है youtube.com/lifecoachgraphologist। सो ये जॉली अंकल का चैनल है लाइफ कोच ग्राफोलॉजिस्ट, यहाँ पे आप जॉली अंकल के वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आप ग्राफोलॉजी को लर्न करना चाहते हैं या ग्राफोलॉजी को बेसिक्स को समझना चाहते हैं, या ग्राफोलॉजी ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है लोगों की लाइफ को, और अंकल की जो बेसिक शेयरिंग्स हैं, 42 जो बुक्स हैं वहाँ से लिए हुए लाइफ कॉन्सेप्ट्स, उसके अलावा ग्राफोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स, आप इस चैनल पर जाके जरूर देख सकते हैं। और अंकल, अब मैं आपसे अब फाइनल क्वेश्चन के ऊपर आऊँगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए ऑलरेडी काफ़ी 47 मिनट्स के अराउंड, वी आर लाइक 48 मिनट्स से हम लोग लाइव हैं, और अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पूरा टेस्ट ले रहे हैं आज आप मेरा 60 मिनट्स। जी जी, वेलकम, थैंक यू अंकल, थैंक यू। लेकिन रियली मैं आपको कहना चाहूंगा अंकल कि आदमी शायद कभी कभी इन बातों को भूल भी जाता है या कुछ अलग हो जाता है, बट जिस समय मैंने आपसे बोला था उस समय मेरी मनोस्थिति बहुत अलग थी और आज मेरी मनोस्थिति बहुत अलग है। बीच में ऐसा नहीं हुआ कि बहुत लो फेजेस नहीं आए, लो इतने खराब लो फेज भी आए कि जहाँ पे मैं एक बार ऐसा हुआ पिछले साल शायद जनवरी की बात है या पिछले साल जनवरी की बात है, मेरे ना दिमाग में इतनी तेजी से थॉट चल रहे थे, लगातार इतना ज़्यादा चल रहे थे कि मैं अपनी वाइफ को बोला कि मुझे बचा लो, और मैंने मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे हो क्या रहा है। फिर मैंने लिख लिख के भी अपने चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करी, कहीं पढ़ा मैंने कि वो मतलब हार्ट पैल्पिटेशंस मेरी बहुत ज़्यादा हो रही थी, शायद मुझे एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, कुछ लोगों ने मुझे बाद में आया कि शायद मैं डिप्रेशन में था, मुझे ऐसा, लेकिन मैं वर्किंग में था तो मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं मतलब काम तो अपने कर ही रहा था, मैं कहीं अलग, जैसे डिप्रेशन समझाया किसी अकेले कमरे में, वैसा तो मेरे को कभी नहीं हुआ, लेकिन मैंने लिख लिख के। जी अंकल, ये मैं पैटर्न दिखाना चाहूंगा, किसी को भी प्रॉब्लम हो अगर जी, तो ये जो पैटर्न है ये मैं दिखा रहा हूँ, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करो, जो स्टेज आप बता रहे हैं ना जी,
पेन से लेके इसको लिखना शुरू करें, जहां पे हाथ रुक जाए वहीं पे हाथ रोक दो, उसके बाद फिर आगे से लिखना शुरू कर दो। एक पेज मॉर्निंग में और एक पेज रात को आप लिख दो, मैक्सिमम एक वीक में आपका बीपी, आपकी हर चीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा आपको, तो इसके लिए दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना करने से आपका ये सारे इश्यूज ठीक हो सकते हैं। जी अंकल। सो आप अब शो की जैसे एक हमारा एक यहाँ का कल्चर है, लास्ट में मैं अंकल होस्ट की सीट से उठ जाता हूँ और अब होस्ट आप हैं, आप जो भी मैसेज देना चाहें और जितनी देर भी देना चाहें, जिसको जो भी आप मैसेज देना चाहें व्यूअर्स को, अब मैं चाहता हूँ कि आप वो मैसेज दें। मेरी तरफ से यहाँ मैं आपको रियली इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द डिजिटल लीप शो। आपने जितनी भी बातें बताई ब्रेन के बारे में, जनरल नेचर के बारे में, लिखने के बारे में, क्या कनेक्शन है ब्रेन का, थॉट्स का, राइटिंग का, और इवन जो आज हम लिखना छोड़ रहे हैं उससे, इवन आपने ये भी बताया कि यूरोप और डिफरेंट कंट्रीज में जो डिप्रेशन की चीज़ें आ रही हैं शायद ना लिखने की वजह से वो आ रही हैं, और जहां उन्होंने एक दो दिन लिखना शुरू किया या एक हफ्ता लिखना शुरू किया तो बहुत कुछ चेंज हुआ। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको कहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब आप इस शो के होस्ट बने और आगे जिस शो को जैसे ले जाना चाहें और जैसे क्लोज करना चाहें आप प्लीज कंटिन्यू करें। एक तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो लोग अभी देख रहे हैं या बाद में भी जब भी इस वीडियो को देखें, किसी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में, आप यूट्यूब में मुझे लिख सकते हैं, तो जो भी बेस्ट हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। अब तकरीबन 25 साल से कई हजार केसेस में कर चुका हूं, तो एक चीज मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहूंगा कि चेंज योर सिग्नेचर, चेंज योर लाइफ। आप सिर्फ अपने सिग्नेचर में पॉजिटिव चेंज लेके आओ। हम अपने फ्यूचर के बारे में तो नहीं जानते, किस्मत के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आप अपनी किस्मत को अच्छे से बना सकते हैं, अपनी किस्मत को अच्छे से संवार सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, आप अगर इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आप 100% अपनी कैपेसिटी को यूज करने लगेंगे। एवरेज आदमी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है 50%, मैक्सिमम 60% हम अपनी कैपेसिटी, अपने टैलेंट, अपने स्किल का यूज करते हैं। तो अगर 100% हम यूज करते हैं तो आप देखो कि हर आदमी की जिंदगी में क्या क्या करिश्मे हो सकते हैं। और आप सभी के लिए आखिर में मैं बस इतनी दुआ करूंगा कि आज से आपके सिग्नेचर जो है वो इतने खूबसूरत, इतने शानदार, इतने दमदार बन जाए कि वो ऑटोग्राफ में बदल जाए, जमाना आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहे। और दूसरा, आपका बैंक बैलेंस, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, उससे भी बड़ा बन जाए। तो आप सभी के लिए यही दुआ करूंगा कि आप सभी की हस्ती, बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को इतने गौर से सुना। थैंक यू जॉली अंकल। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डिस्प्लेड है। आप जो भी व्यूअर इसको देख रहे हैं इस समय, अभी तक लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देखेंगे, तो जॉली अंकल का यूट्यूब चैनल और जॉली अंकल का मोबाइल नंबर यहाँ पे डिस्प्लेड है ऑन स्क्रीन, और ये बाद में भी रिकॉर्डेड सेशन में भी रहेगा। आप अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा ये डिटेल, आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, आप ट्विटर पे देख रहे हैं तो आपको ट्विटर पे मिल जाएगा, आप लिंक्डइन पर देख रहे हैं तो आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगा। आप जहां भी इसको देख रहे हैं आपको ये सारी डिटेल्स वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, और लास्ट में जॉली अंकल थैंक यू।